आज हम बनाने जा रहे हैं बेबी फूड, और ये बेबी फूड फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स है क्योंकि इसमें कार्बोहाइड्रेट भी होगा, इसमें कैल्शियम भी है, इसमें प्रोटीन भी है, इसमें फैट्स भी है, इसमें आयरन भी और बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स। बेबी बहुत अच्छे से खाते हैं ये, या आप 12 से 3 साल तक के बच्चे को आप दे सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की रेसिपी बेबी फूड। मैंने थोड़ा सा चावल लिया हुआ है, पहले मैं इसको थोड़ा सा वॉश करूँगा। वॉश बस थोड़ा ही मैंने लिया है। अब मैं इसको कुकर में डालने जा रहा हूँ। मैंने एक आलू लिया हुआ है, तो इसको मैं पहले ऊपर छिलका उतारूंगा पीलर से। उसके बाद हम इसको छोटे छोटे पीसेस करेंगे। पीसेस करने के बाद हम इसको डाल रहे हैं कुकर में, और साथ साथ हम इसमें ऐड कर रहे हैं एक अंडा। हम इसमें डाल रहे हैं 1/2 टेबल स्पून सॉल्ट, नमक, और इसमें हम ऐड कर रहे हैं 1/2 टेबल स्पून बटर, और इसमें हम आधी कटोरी जो है वो पानी डालेंगे। बस आधी ही डालनी है आपको बस। अब इसके बाद हम ऊपर से इसको ढक्कन रखेंगे। अब हम गैस को ऑन करेंगे फुल स्पीड पे, और प्रेशर को इस पे रख देंगे, और 3 से 4 सीटियां लगने के बाद हम इसको बंद करेंगे। तीसरी सीटी है, 3 से 4 सीटियां लगने के बाद हम गैस को बंद करेंगे। तो हम इसको अब खोलने जा रहे हैं, चेक करने जा रहे हैं। आप देखिए कितना ये बिल्कुल पक चुका है ये। अब हम इसको क्या करेंगे, अब हम इसको यहाँ पे मिक्सी में डालेंगे। इसको हमको प्यूरे बनाना है अब। सारा आप डालेंगे इसमें। इसमें मैं ऐड करने जा रहा हूँ दूध। दूध मैं अकॉर्डिंगली डाल दूंगा, पहले थोड़ा सा ही। हम इसको ऊपर से ढक्कन लगा के मिक्सी में, अब हम इसको प्यूरे बनाना है। इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। हम इसको बंद करेंगे। ये अच्छा प्यूरे बन गया है, बिल्कुल तैयार है ये। ये तैयार है अभी। तो अब हम क्या कर रहे हैं, इसको हम डाल रहे हैं बाउल में, ट्रांसफर कर रहे हैं। अब देखो कितना अच्छा फाइन पेस्ट निकल के आया हुआ है। ये हम बना रहे हैं बेबी फूड, जो आप 12 महीने से लेके 3 साल तक के बच्चे को दे सकते हैं। तो अब हम इसमें और थोड़ा सा दूध मिलाएंगे और इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे, ताकि ये और थोड़ा सा ज़्यादा मोटा था, अब थोड़ा सा ये पतला करेंगे हम। बहुत ही अच्छा है, फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स है ये बेबी फूड। इसमें कार्बोहाइड्रेट्स भी है, इसमें प्रोटीन भी है, इसमें फैट्स भी थोड़ा जाएगा, इसमें कैल्शियम भी है क्योंकि हमने इसमें दूध भी डाला है। सो ये फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स है, और बेबी के लिए बहुत ही अच्छा फूड है ये, और बेबीज भी अच्छे से खाते हैं ये। आप इसको ज़रूर ट्राई करें, और हमारी चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और कमेंट सेक्शन में लिखें कि कैसे हमारे रेसिपीज आपको लगते हैं। हम और मिलेंगे एक और रेसिपी के साथ। टिल देन आप अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। Oh.
स्पाइडरमैन।